नमस्कार, एस्ट्रो इंसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। ग्रहों के राजा सूर्य, सूर्यदेव अपनी नीच की राशि तुला को छोड़कर वृश्चिक में 16 नवंबर को प्रवेश करेंगे। सूर्य हर महीने ही अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं, जिसको हम सूर्य संक्रांति कहते हैं। लेकिन मैं महीने में हर बार तो वीडियो नहीं बनाती हूँ सूर्य के राशि परिवर्तन पर, जब मेरी समझ में ये लगता है कि अगर सूर्य उच्च राशि में जा रहे हैं या नीच राशि से निकलकर बेहतर राशि में जा रहे हैं, या फिर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, मतलब जब कुछ, जिसको आप कहते हैं कि कुछ जो प्रमुख संक्रांति सूर्य की होती है, उन पर मैं वीडियो बनाती हूं और आप सभी को यह भी बताती हूं कि आपकी राशियों पर अब इस ग्रह के परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा। वैसे तो कभी भी जब सूर्य राशि बदलेंगे तो सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अब नीच राशि में चल रहे थे, नीच से निकलकर अपने मित्र की राशि, मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे, तो क्या असर देंगे, यानी कि थोड़ा सा ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाता है। दूसरी बात ये, इसलिए भी ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने सोचा कि आप लोगों को जरूर जानकारी दूं, वो इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु पहले से ही विराजमान है, यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य अपने नीचत्व को तो छोड़ रहे हैं या उससे तो निकल रहे हैं, लेकिन राहु और केतु की एक्सेस में आ रहे हैं गोचर करते हुए। केतु, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एक बॉडी है और उसकी हमेशा खोज है कि वो कौन है, क्या है, तो जब किसी के साथ वो कंजंक्ट हो जाता है, युति हो जाती है, चाहे वो गोचर में ही क्यों ना हो, तो केतु को एक शरीर में, एक सर मिल जाता है, एक सोचने की शक्ति मिल जाती है। तो अब सूर्य जो कि ग्रहों के राजा है और केतु के साथ गोचर करेंगे एक महीने के लिए, तो डेफिनेटली आप सभी की मानसिकता पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस गोचर का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो मैं ये कहूंगी कि सत्ता पर पड़ सकता है, क्योंकि सरकार, यानी कि सूर्य जब राहु केतु की एक्सिस में है तो आपको ये समझना ही होगा, और वो एक्सिस भी कहां पर है, अगर मैं ब्रह्मांड की बात करूं तो दूसरे और आठवें घर में, यानी कि जो हमारा फिक्स्ड ज़ोडियाक है मेष से लेकर मीन तक का, उसमें ये जो गोचर हो रहा है ये दूसरे घर और आठवें घर में हो रहा है, यानी कि सूर्य ब्रह्मांड में जो है वो अष्टम में जा रहे हैं केतु के साथ। तो सच्चाई ये है कि बहुत से बड़े लोगों का जो मान मर्दन है वो हो सकता है, सरकार के उच्च पदासीन जो लोग हैं उनका मान मर्दन हो सकता है, कई बड़े लोग संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए जा सकते हैं। यानी कि सूर्य का ये गोचर आठवें घर में और केतु के साथ कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट्स बाहर लाने वाला भी हो सकता है, और ये समाज के बड़े लोगों से नियंत्रित होगा। और एक ये भी बात है, क्योंकि एर्थ हाउस जो है वो हमारी सीक्रेट सर्विसेज होती हैं, तो सीक्रेट सर्विसेज में भी क्या कुछ चल रहा है उस पर भी, जिसको आप कहते हैं पर्दा हट सकता है, इस तरह की चीजें कुछ सामने आ सकती है। तो ये एक जनरल बात है। अब बात होगी कि सूर्य का जो ये गोचर है वो आप सभी के ऊपर क्या असर डालेगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि या एरीज मून साइन। अगर आपका चंद्रमा कुंडली में जहां बैठा है वहां नंबर एक है, तो आप मेष राशि के व्यक्ति हैं। तो मेष राशि के लिए ये जो गोचर है, सूर्य जो है वो पंचमेश बनते हैं, फिफ्थ लॉर्ड है, और आठवें घर से गोचर करेंगे केतु के साथ। तो बहुत लोगों के लिए ये गोचर थोड़ा सा मानसिक दुविधाएं देने वाला होगा, मतलब आपको लगे कि कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आ रही है, या कुछ चीजें ऐसा लग रहा है कि अंडर द टेबल रैप है, मतलब छुपी हुई है और आप उनको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पंचमेश जो है वो अष्टम में है, और इसी के चलते आप में से बहुत से लोग ऑकल्ट वगैरह से भी जुड़ सकते हैं,
क्योंकि केतु वहां पर है। अगर आप मेष राशि के व्यक्ति हैं और आप किसी सीक्रेट सर्विस में हैं, या फिर आप लॉयर हैं या सीक्रेट सर्विसेज सीबीआई और रॉ या जो भी इस तरह की सर्विसेज में अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ अगर आप कुछ भी गलत कर रहे होंगे तो इस वक्त वो प्रकाश में आ सकता है, आपकी छवि धूमिल हो सकती है। आप में से बहुत लोगों के बच्चों से भी आपकी आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, आपके बच्चे आपसे दूर पढ़ने वगैरह के लिए जा सकते हैं, और ये भी होगा कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपका मतलब पारिवारिक जो इनहेरिटेंस वगैरह होती है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आप में से बहुत लोग नोटिस करेंगे। मेष के लिए ये गोचर मध्यम है, मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि त्रिकोण का मालिक जो है वो आठवें घर से गोचर करेगा और राहु केतु की एक्सिस में होगा। किसी को भी आप मतलब लॉटरी सट्टा इस तरह के काम बिल्कुल भी इस एक महीने ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। अब बात होगी वृषभ राशि यानी कि टॉरस मून साइन नंबर दो जहां लिखा हुआ है वहां अगर आपका चंद्रमा है तो आप वृषभ राशि के व्यक्ति हैं। वृषभ राशि यानी वृषभ राशि के लिए जो सूर्य है वो चतुर्थेश बन जाते हैं, चौथे घर के मालिक होते हैं और सातवें घर से गोचर करेंगे जहां पर केतु ऑलरेडी है। ये आप लोग समझ के ही रखिए कि सूर्य के साथ है केतु, तो चौथे घर का मालिक है, सुख शांति का मालिक है, बढ़कर अच्छी जगह आ रहा था, चौथे से चौथे में आ रहा था, लेकिन क्योंकि केतु वहां पर है तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कुछ ईगो हैसल्स हो सकते हैं, यानी कि वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप में से कई लोग अपने संबंधों से वैसे ही ऑलरेडी थोड़े से केतु के गोचर की वजह से परेशान चल रहे थे, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन जो है उसमें उतार चढ़ाव थोड़े से बढ़ जाए। आपके घर या परिवार की माता की कोई दखल या इंटरफेरेंस आपके मैरिड लाइफ को और थोड़ा सा बिगाड़ सकता है, लेकिन क्योंकि ज्योतिष के सूत्र कभी नहीं बदलते, तो ये कि मतलब केंद्र के मालिक के साथ केंद्र में केतु गोचर कर रहा है, तो यानी कि आपके कई लोगों का घर परिवर्तन हो सकता है, बेहतर घर में आप शिफ्ट हो सकते हैं, घर में कुछ रेनोवेशन के काम हो सकते हैं। बहुत लोगों में से आप में से कई लोगों की पद प्राप्ति भी हो सकती है, यानी पद बढ़ सकता है, पद प्राप्ति हो सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, इस तरह के काम भी आपके हो सकते हैं। कोई बड़ी पार्टनरशिप डील वगैरह भी आप साइन कर सकते हैं, बस एक क्वेश्चन रहेगा कि बहुत ध्यान से सोच समझ कर ये काम करें। अब बात होगी मिथुन राशि या जेमिनाई मून साइन नंबर तीन जहां है आपकी कुंडली में और चंद्रमा है, तो आप मिथुन राशि के व्यक्ति हैं। मिथुन राशि के लिए तीसरे घर के मालिक बन जाते हैं सूर्य और गोचर करेंगे छठे घर से। एक तरह से ये स्थिति विपरीत राजयोग की है तो बुरी नहीं है। आप में से कई लोगों को ये लग सकता है कि अगर आप प्रयास करें और आपका कुछ धन वगैरह कहीं अटका हुआ था, कोई लोन पास नहीं हो रहा था, कुछ इस तरह की चीजें, तो उसमें एक स्मूथनेस आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि क्योंकि तीसरे घर का मालिक छठे घर से गोचर कर रहा है और वो भी सूर्य केतु के साथ, तो वो भी एक ठीक स्थिति है आपके लिए। अगर आप लॉ मेडिकल मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए नौकरी और व्यवसाय की दृष्टि से ये गोचर अच्छा हो सकता है। आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है कि अपने ऑफिस में पार्टी पॉलिटिक्स के प्रति थोड़े से सचेत रहें, क्योंकि केतु साथ में है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिनको आप अपना मान रहे थे वो आपके अपने नहीं थे, या कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी। सो आई वुड से थोड़े से अलर्ट रहेंगे वर्क प्लेस पर, लेकिन कुछ धन की स्थितियां बेहतर भी आप में से कई लोगों की हो सकती हैं। अपने सेहत का आप लोग थोड़ा सा ख्याल करेंगे, अगर कोई परेशानी है तो एक चेकअप बनता है, करवा लीजिए। कर्क राशि या कैंसर मून साइन नंबर चार जहां लिखा हुआ है
वहां चंद्रमा है, तो आप कर्क राशि के व्यक्ति हैं। कर्क राशि के लिए चंद्रमा सूर्य दूसरे घर के यानी द्वितीयेश बन जाते हैं और गोचर करेंगे पंचम स्थान से, पांचवें स्थान से, जो कि सूर्य का जोडियाक में अपना स्थान होता है और वैसे भी मित्र का स्थान है, तो आपके परिवार में कोई एडिशन हो सकता है, सुखद समाचार भी हो सकता है। कई लोगों को, कर्क राशि वाले लोगों के लिए संतान से संबंधित कोई गुड न्यूज मिल सकती है, लेकिन बहुत ध्यान रखिए कि इनिशियल मंथ्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, उनमें आपको अपना बहुत ख्याल रखना है। अगर आपके घर में भी किसी का ऐसा है तो उसका भी आप उनको समझाएं कि अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ख्याल करें। संतान से संबंधित कोई कोई जिम्मेदारी या कोई शुभ सूचना, जैसा कि मैंने कहा, मिल सकती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं केतु जो है उसको थोड़ा सा कहते ना कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी, कुछ या तो कुछ परेशानी है या थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर आपका कुछ बढ़िया हो जाए, इस तरह की स्थिति होगी। तो संतान का भाव आपका अगर दशा वगैरह अच्छी चल रही है तो आपको शुभ सूचना मिल सकती है, अन्यथा आपको संतान से संबंधित कुछ चिंताएं भी कर्क लग्न, कर्क राशि वाले लोगों को ये सूर्य दे सकता है। संतान के स्वास्थ्य की भी हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर प्रेगनेंसी वगैरह है तो भी मेडिकल एडवाइस वगैरह आप लेते रहें। अब बात होगी सिंह राशि, लियो मून साइन नंबर 5 जहां कुंडली में लिखा है, अगर वहां पर आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो आप सिंह राशि के व्यक्ति हैं। सिंह राशि यानी कि लियो मून साइन, आपके लिए तो सूर्य जो है लग्न के ही मालिक बन जाते हैं और चौथे घर से गोचर करेंगे। चौथा घर यानी केंद्र का मालिक, केंद्र से ही गोचर कर रहा है, फिर केतु का साथ जो है एक तरह से राजयोग बना देते हैं, यानी केतु योग कारक हो जाता है। और केतु और राहु अपनी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है इस वक्त, दोनों ही उच्च के माने जाते हैं वृषभ और स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक में, तो आप में से सिंह राशि के कई लोगों के प्रभाव या वर्चस्व में वृद्धि हो सकती है। आपके आप में से बहुत लोगों के लग्जरी में कुछ एड ऑन हो सकता है, कुछ लोग घर बेहतर कर सकते हैं, कुछ कार ले सकते हैं, कुछ कुछ भी स्तर में वृद्धि, जिसको आप कहते हैं पद प्रतिष्ठा में, सुख आराम में वृद्धि सिंह राशि वालों की अवश्य हो सकती है। लेकिन आपके लिए एक ही कौशन है कि आपकी माता से रिलेटेड आपको कुछ मानसिक परेशानियां अवश्य होंगी, उनका स्वास्थ्य हो सकता है या फिर उनसे रिलेटेड जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा मैं चिंता में हूं माँ को लेकर या माँ की वजह से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राहु केतु की एक्सेस में सूर्य है तो उतना ही लंबा मतलब सोचें, कई बार ऐसे हो जाता है क्योंकि राहु आपके 10वें घर में होंगे और सूर्य आपके उसके सामने चौथे घर में, तो मतलब बहुत लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करें, अपने मींस और अपनी कहते ना काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपके लिए अच्छा होगा। अब बात होगी कन्या राशि या वर्गो मून साइन नंबर 6 जहां पर कुंडली में लिखा हुआ है, और अगर चंद्रमा वहां है तो आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं। और अगर आप में से कुछ लोग अपनी राशि नहीं जानते हैं तो राशि का नाम का जो अक्षर होता है वो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि स्लाइड में चल रहा है, और आप अपने नाम के अक्षर से भी ये देख सकते हैं। तो कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें घर के मालिक बनते हैं, 12वें घर का मालिक तीसरे घर से गोचर कर रहा है केतु के साथ और राहु 9th में हो गए, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत लोगों को यात्राओं के मौके मिल सकते हैं, छोटी छोटी यात्राओं के मौके मिल सकते हैं, और कई लोग देश मतलब से दूर यानी विदेश की यात्रा भी शॉर्ट टर्म ट्रेवल अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि राहु 9th में होगा और केतु और सूर्य 3रे घर में होंगे, व्ययेश होते हुए, तो
तो इस तरह से आपके यात्राओं के योग बन सकते हैं। आपके अगर कोई छोटे भाई बहन हैं या आपके जो नेबरहुड है उसमें आप किसी कम्युनिटी के काम से जुड़ सकते हैं, या अपने आसपास सोसाइटी में कुछ काम कर सकते हैं, कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, इस तरह के काम भी अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। मतलब आपकी ऊर्जा का जो व्यय हो ना वो अच्छे कामों में हो, क्योंकि तीसरा घर जो है वो हमारी नेबरहुड है, कम्युनिटी है। तो अगर आप ऐसे कुछ काम करके ऊर्जा में व्यय करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। यात्राओं पर पैसे खर्च हो सकते हैं, आपके ट्रेवल पर सबसे ज्यादा खर्चा हो सकता है, या अगर आपके किसी छोटे भाई बहन को या मित्र को मदद की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसकी मदद अवश्य करें। अब बात होगी तुला राशि या लीब्रा मून साइन नंबर 7 में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो फिर आप तुला राशि के व्यक्ति हैं। तुला राशि के लिए सूर्य जो है 11वें घर के एकादशेश बन जाते हैं, और एकादशेश हमेशा ही मतलब लाभ की स्थितियां पैदा करता है। तो 11वें घर का मालिक दूसरे घर से गोचर कर रहा है तो बहुत लोगों को धन लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन क्योंकि साथ में केतु है और केतु जो भी चीज होती है वो थोड़ा कहते हैं ना लेते हैं, तो आप में से बहुत लोगों को हो सकता है किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते आपको कुछ व्यय करना पड़े। फैमिली कुटुंब जिसको आप कहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली पर कुछ खर्चा, कुछ मदद, इस तरह की चीज आप कर सकते हैं। आप अपने परिवार की इस समय मदद अवश्य करें, अगर कर सकते हैं आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आपकी दशा, अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही होगी तो फिर आपके परिवार में पैसे को लेकर वैमनस्य भी पैदा हो सकता है। ऐसे समय पर आप अपने जिसको कहते हैं कि विजडम, विवेक से काम लें। 11वें घर का मालिक दूसरे घर में है, 11वां घर छठे से छठा होता है, फिर वो दूसरे स्थान में है, तो आप अपने गले से लेकर थ्रोट, दांत, इस तरह की चीजों पर थोड़ा सा, या आंखें, कुछ तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। अब बात होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए दशमेश है सूर्य और लग्न से गोचर करेंगे, मतलब आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति है। फिर वही बात हो गई कि 10th लॉर्ड लग्न में केंद्र का मालिक केंद्र में और केतु के साथ जो कि राजयोग कारक हो जाता है, वृश्चिक राशि वालों की भी, बहुत से लोग आप में से ऐसा सोचेंगे कि क्यों ना मैं कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर दूं, अपना काम शुरू कर दूं। अंदर से बहुत इच्छा होगी कि एक उन्मुक्त वातावरण में काम किया जाए। आप में से बहुत लोग अपना जॉब प्रोफाइल चेंज कर सकते, या ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि भाई मेरा मेरा शौक, मेरा पैशन जो है वो अब फॉलो करने का समय है। जब तक फूल प्रूफ प्लानिंग आपके पास ना हो तब तक अपने जॉब को ना छोड़ें, ना बदलें, और अपनी कुंडली की दशा, अंतरदशा के हिसाब से ही ये डिसीजन लें, क्योंकि कई बार राहु केतु की एक्सिस में है सूर्य, आपको एक जिसको आप कहते हैं इंपल्सिव डिसीजन आपसे करवा सकते हैं। बट इन जनरल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर फायदेमंद साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों में से बहुत लोग अपने कार्मिक जिसको कहते हैं ना कि एग्जॉशन करने में भी सफल साबित होंगे। इसका मतलब होता है कि आपको कुछ लेसन्स भी इस महीने आपके अपने ही व्यवहार, पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ चीजें, आपको कुछ सिग्नल्स, कुछ लेसन्स मिलेंगे जिनको अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके लिए आगे अच्छा रहेगा। केतु और सूर्य हमेशा ही आपकी आत्मा को कुछ ना कुछ एक लेसन दे रहे हैं। क्या पता आपको समझ आ जाए कि हाँ, अभी तक अपने काम में मैं ये गलती कर रहा था, अगर इसको इम्प्रूव कर लूं तो आई माइट गो प्लेसेस, यू नो, मैं काफी उन्नति कर सकता हूं। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के लिए अच्छा है। अब बात होगी धनु राशि या सेजिटेरियस मून साइन नंबर 9 जहां लिखा हुआ है वहां चंद्रमा है, तो फिर आप धनु राशि के व्यक्ति हैं। सूर्य आपके लिए त्रिकोण के मालिक हैं,
नाइन्थ लॉर्ड हैं और गोचर करेंगे 12वें घर से। आप में से भी बहुत लोगों को कार्य व्यवसाय से रिलेटेड विदेश यात्रा का मौका मिल सकता है, यात्रा का मौका मिल सकता है, जिसको आप कहते हैं कि किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का मौका मिल सकता है। अगर आप दूर रहते हैं तो आप अपने पिता से मिलने जा सकते हैं, यानी कोई यात्रा हो, ठीक है। दूसरा ये, क्योंकि केतु साथ में है, इसका ये भी मतलब होता है कि आप में से, अगर फिर वही बात आ जाएगी, देखिए गोचर जो है वो एक कुरियर बॉय है, जिस तरह की हमारी दशा चल रही होती है वो उसी तरह का पैकेट हमारे पास डिलीवर होता है। इसीलिए बार बार मैं कहती हूं कि दशा अगर आपकी अच्छी चल रही है, और अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, डिटैचमेंट की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, यात्राओं की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, मैंने कहा ना धार्मिक स्थलों का ये सब उस पर। अगर दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है तो आपका धर्म से ध्यान बिल्कुल हट सकता है, या आप अपने धर्म के ही खिलाफ जा सकते हैं, धार्मिक उन्माद की स्थिति आ सकती है। तो इस तरह से जरूर गोचर को समझना चाहिए, पर ये जनरल बात हो रही है, तो आप में से कई लोगों को इस तरह के अवसर विदेश यात्रा के या यात्राओं के या धार्मिक यात्राओं के मिल सकते हैं। हायर लर्निंग, आप में से कई लोग कहीं अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते थे, हायर लर्निंग के लिए आप जा सकते हैं, कोई कोर्स करना चाहते थे शहर से दूर जाकर कर सकते हैं, इस तरह के काम अच्छे होंगे। मकर राशि या केप्रिकॉन मून साइन, आपके लिए सूर्य जो है अष्टमेश हो जाते हैं, 8वें घर के मालिक हैं और 11वें घर से गोचर करेंगे केतु के साथ, तो आप में से कई सारे लोग कुछ शॉर्टकट से कमाने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब ऐसा लग सकता है कि बस धन आना चाहिए, किसी भी रास्ते से आए बुरा नहीं है, लेकिन इस आदत पर अपने काबू रखें, नहीं तो आपके मान सम्मान पर थोड़ी सी चोट आ सकती है। वैसे आपके धन के रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और आप में से कई लोगों का सोशल स्टेटस जो है, क्योंकि धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो थोड़ा सा एलिवेट हो जाएगा, लेकिन ये भी बात है कि क्योंकि 8वें घर का मालिक है, 11वें घर में है, तो आपके खर्चों को भी काफी बढ़ाएगा, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप उन्हीं को पूरा करने के लिए गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बड़े भाई बहनों से ईगो के क्लैशेस हो सकते हैं, समाज में भी जो आपसे बड़े लोग हैं यानी आपके सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, तो उनसे आप ईगो के क्लैशेस करने से बचें, ये एक बहुत बड़ी टिप होगी आपके लिए। मकर राशि, अब बात होगी कुंभ राशि या एक्वेरियस मून साइन नंबर 11 में अगर चंद्रमा है तो फिर आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं, आपके लिए सूर्य सप्तमेश है, 10वें घर से गोचर कर रहे हैं, 7वें घर से चौथा घर है, यानी इन 7वें और 10वें की जो पोजीशन है वो 10th to 10th वाली है, और 7th to 4th यानी इनकी केंद्र की पोजीशन है, अच्छी स्थिति है। आप में से कई लोगों के स्पाउस का प्रमोशन हो सकता है, आपकी कोई बड़ी अच्छी बिजनेस डील्स वगैरह आपकी साइन हो सकती हैं, आप में से भी कई लोगों को विदेश यात्राओं के मौके मिल सकते हैं, बाहर की कंपनीज से कुछ कोलैबोरेशंस वगैरह हो सकते हैं, आपकी अपनी भी पद प्राप्ति वगैरह के लिए ये समय अच्छा हो सकता है, सरकारी फेवर मिल सकते हैं, सरकारी संस्थानों के लिए आप कुछ, मतलब अगर व्यापारी हैं तो कोई टेंडर सरकार की तरफ से निकला और वो आपको मिल जाए, इस तरह हो सकता है, सरकार से कुछ फायदे आपको हो सकते हैं, बस आपको अपने अहंकार पर 10वें घर में, मतलब जब भी सूर्य गोचर करते हैं तो कई बार आपको थोड़ा सा वहां दिग्बली भी होते हैं, तो आप कहीं गलत फहमी में ना हो जाएं और थोड़ा अहंकार आपके अंदर ना आए या ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, ये एक शायद अच्छा वर्ड है, तो उससे बचे आप, यानी कि अति आत्मविश्वास से बचना है।
अब बात होगी मीन राशि, पाइसिस मून साइन। आपके लिए जो सूर्य हैं वो छठे घर के मालिक बन जाते हैं और गोचर करेंगे नाइन्थ हाउस से। छठे घर का मालिक जब जब नवे घर में जाता है तो कई बार हमारा अपने बड़ों से विरोध करवाता है। पिता से विरोध हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य के लिए स्थिति अच्छी नहीं हो सकती, हो सकता है आपको पिता से दूर जाना पड़े। ये एक सीधा सा इंटरप्रिटेशन है। दूसरा, आप में से क्योंकि छठे घर से चौथा घर है तो हो सकता है आप में से कई लोगों के कुछ ट्रांसफर्स वगैरह भी हो जाए, यानी घर बदल जाए, ट्रांसफर हो जाए। इस तरह की स्थिति भी सूर्य और केतु एक साथ नाइन्थ हाउस में दे सकते हैं। यात्राएं भी दे सकते हैं, काम से रिलेटेड, वर्क रिलेटेड यात्राएं आपकी हो सकती हैं। अगर आप लोग कोई लोन वगैरह लेना चाहते थे, पास हो सकता है, लेकिन कॉशन आ जाता है कि ध्यान से अपने मींस को देखकर कि कितना मैं ले सकता हूं, कितना चुका सकता हूं, इस तरह से आपको अवश्य ध्यान रखना है। पर आपको सरकारी उपक्रमों से, सरकारी योजनाओं से, इन सब चीजों से कुछ फायदा मीन राशि वाले लोग उठा सकते हैं। तो सूर्य का ये जो गोचर है वो क्योंकि केतु के साथ एक महीने रहने वाले हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी से एक उपाय के लिए मैं बात करूंगी कि इस पूरे महीने आप सभी को सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए और कोशिश करेंगे कि अगर आप उसमें थोड़ा सा एक लाल फूल या कुमकुम डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये उपाय हर किसी को करना चाहिए। और अगर आपको किसी को भी लगता है कि सेहत संबंधी परेशानियां अगर कुछ लोग झेल रहे हैं या आगे आने 16 नवंबर के बाद से आपको लगता है, तो फिर एक कोई भी काले सफेद रंग से बना हुआ कपड़ा, कंबल, सर्दियां हैं, आप किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ये भी हर कोई कर सकता है। तो आपके आगे आने वाली जो बाधाएं हैं वो हट जाएंगी या कम हो जाएंगी। धन्यवाद। आप सभी लोग मेरे वीडियो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा जो ये प्रयास है कि ज्योतिष को एक अपनी बुद्धि भर सही दिशा में ले जाने का, मेरा उसमें आप सब मेरे साथी बने, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।